Welcome back to our series where we'll be telling you some techniques that we used as students and that helped us to gain really good marks. So, in our first video, we talked about this amazing Japanese technique called Kaizen. Moving forward, we have another technique for you that really helps if you really want to study hard, if you want to study in a very smart way and also score good marks. Now, this technique is concerned about making notes. So, हम जैसा भी पढ़ाई करते हैं जो भी करते हैं इट विल ऑल बॉइल डाउन टू हाउ गुड्स आर नोट्स आर बिकॉज आप एक बार पढ़ाई करते हो अच्छे से नोट्स बनाने लायक उसके बाद आप उन्हीं नोट्स को बार 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 जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपका अच्छा है. तो ये टेक्निक है कलर कोडिंग मेथड. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे नोट्स बनाएंगे जो बहुत अच्छे से बने हुए हैं जिनके जिनमें कुछ कलर्स हैं और उन कलर का कुछ कुछ मीनिंग है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम नोट्स बनाते हैं यूजुअली थ्योरी सब्जेक्ट्स के. अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उनके हम नोट्स नहीं बनाते हैं, थ्योरी के ही बनाते हैं ज़्यादातर. और न्यूमेरिकल के भी आप बना सकते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू नोट डाउन दी फॉर्मूलाज एक्सेट्रा. बट यहाँ पे शुरू करते हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं, आप कोई थ्योरी पार्ट के बायोलॉजी के नोट्स बना रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप रेड पेन से लिख सकते हैं, जो भी डेट्स हैं वो आप येलो पेन से लिख सकते हैं और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप ग्रीन से लिख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप हर पॉइंट पे यू डोंट वांट टू चेंज दी पेन सो यू कैन मेक अ हैबिट ऑफ हाईलाइटिंग थिंग्स. हाईलाइट कैसे कर सकते हैं आप एक हाईलाइटर यूज कर सकते हैं या फिर आप अगेन कलर्ड पेन से सिर्फ एक नीचे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरलाइनिंग कर सकते हैं. सो कोई भी अगर आप यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन कोड्स कि यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब ये वाला पेन, डेट मतलब ये वाला पेन, कीवर्ड मतलब ये वाला पेन, ठीक है. और कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर सकते हैं वो कुछ ऐसा है, यू कैन यूज ब्लैक ब्लू एंड रेड, यू कैन यूज ब्लैक ब्लू एंड सम हिंट ऑफ ग्रीन, ताकि वो चीजें दिखें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, बार बार उनको पढ़िए. ब्लैक ब्लू एंड ऑरेंज यूज कर सकते हैं. अब यार आप लोग पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है, ठीक है, इस टेक्निक का, वॉट इज इवन द पर्पज ऑफ दिस टेक्निक, हम क्यों करें इतनी मेहनत. एक बार फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक टॉप नोच नोट्स, अच्छे से अच्छे आपको क्वालिटी के नोट्स तभी बनते हैं जब उसमें कलर्स होते हैं, जब उसमें क्लियरली हमें इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही होती हैं, एक पैटर्न होता है. दूसरा, इस तरीके के नोट्स उनको हेल्प करते हैं जिनकी पिक्टोरियल मेमोरी होती है. व्हाट इज पिक्टोरियल मेमोरी, पिक्टोरियल मेमोरी मतलब जो लोग आप जो पिक्चर्स देख के याद रखते हैं. अब मान लीजिए कोई डेट है वो मैंने रेड पेन से लिख रखी है अपने नोट्स में, तो वो जो डेट है मुझे याद रहेगी, हो सकता है वो मेरे दिमाग में पॉप अप कर रही है बिकॉज मैंने उसको बार बार पढ़ा है, वो क्लियरली मेरे नोट्स में लिखी गई थी, हो सकता है इसलिए. तो जिनकी भी पिक्टोरियल मेमोरी है वो ये टेक्निक जरूर यूज करके देखिए और हमें फीडबैक जरूर दे. एंड इसका थर्ड वीडियो जल्दी आएगा. ऑल द बेस्ट एंड डू व्हाटएवर यू कैन डू टू गेट एज मेनी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. ऑल द बेस्ट.